पिछले 20 दिनों से अंधेरे के साए में जीवन यापन करने को मजबूर है चंबा की कोलका पंचायत के लोग। अपनी इस समस्या को लेकर क्षेत्र के लोग आज उपायुक्त चंबा से मिले। लोगों का कहना है कि उनकी पंचायत चंबा शहर से मात्र 16 किलोमीटर दूर है, लेकिन उनके गांव के खराब हुई बिजली ट्रांसफार्मर बदला नहीं जा रहा है, जिस कारण पिछले 20 से 25 दिनों से वह अंधेरे में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत विभाग को उनके माध्यम से कई बार इस बारे शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांग पर विभाग द्वारा सिर्फ यह कहा जा रहा है कि उनके पास ट्रांसफार्मर नहीं है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन मामले पर कार्रवाई करें और उनके गांव की बिजली सप्लाई को फिर से शुरू किया जाए ताकि लोगों की दिक्कतों का अंत हो सके। हम कोलका पंचायत से आए हुए हैं। हमारी लाइट की समस्या पिछले कम से कम एक महीना होने को है, तो समस्या चल रही है। 10-15 दिन तो लाइट बिल्कुल ही नहीं थी, उसके बाद इन्होंने कहीं बिजली वालों ने कहीं से लाकर पुरानी ट्रांसफार्मर रख दी और एक फेस उसका बिल्कुल ही डेड है, तो उसको बार बार वो रोटेट कर रहे हैं। कभी एक तरफ लगा देते हैं, कभी दूसरी तरफ लगा देते हैं, एक तरफ वाले चीखते हैं तो दूसरी तरफ लगा देते हैं, ऐसा ही कर रहे हैं एक महीने होने को है। और हमने विभाग को संपर्क किया तो बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर नहीं है, और हमारी ये मांग है कि जल्दी से इस प्रॉब्लम को हल किया जाए। ये समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि अगले महीने बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो उनको पढ़ाई की तैयारियाँ करना होती है, तो अंधेरे में कैसे कर पाएँ। थैंक यू। डी साहब से मिले, डी साहब ने क्या बोला? डी सी साहब से मिले हम, तो उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो हमने इनको एप्लीकेशन दी है कि ये हमारी प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्होंने बताया कि हम इस समस्या का हल करेंगे। मैम मनोज कुमार, जन कल्याण युवा सोसाइटी महला कोलकाता अध्यक्ष। तो आज हम चंबा में डीसी के पास अपना मेमोरेंडम लेके आए थे, तो हमारा इशू जो था वो कोलका पंचायत के जो कोलका बाड़ में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो पिछले 20-25 दिनों से बंद पड़ा हुआ है, और उसकी समस्या का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो इससे काफ़ी समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के बच्चे जो है उनको काफ़ी समस्या आ रही है, स्कूल का जो प्रशासन है वो भी परेशान है। तो इस तरह से हम विभाग से मिलने भी गए थे, पिछले हफ्ते हम बिजली विभाग के बड़े अधिकारी से मिले, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ट्रांसफार्मर अवेलेबल ही नहीं है। तो हम विभाग से पूछना चाहते हैं कि 20-25 दिनों में क्या आप नया ट्रांसफार्मर नहीं आ सकता? तो ये जो बहानेबाजी है कृपया ये ना लगाएँ और जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करें। कितने दिन हो गए सर, और वहाँ पर कितनी आबादी है? ऊपर आबादी जो है हमारी उस बाढ़ की कम से कम भी तो कम से कम 2,000-2,500 आबादी है, और सभी बच्चे छोटे बच्चे वहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल का स्कूल है। तो आप ही सोचिए कि कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है उनको।